Hello. Hi. Thank you so much for not responding. Hello. Hi. मैं दिल्ली से हूँ और मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया हूँ और मैं आ गया हूँ वहाँ जैसे सब आते हैं. तुम बॉम्बे वाले अच्छे लोग हो, मतलब अच्छे हो, बट मेरे को एक बात बोलनी है यार. मतलब वो ट्रेन में चढ़ने दो. और अगर चढ़ने नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट उतरने दो. कुछ बीच का करो यार. मतलब हमें पता है हम हैं आरामजादे. यहाँ पे आगे पता चल रहा है, दिल्ली में नहीं चल रहा था. हम सारे ही थे, हमें लगा हम तो नॉर्मल है. यहाँ पे आगे पता चला 3 बार सांभर दे दिया. मैं क्यों भैंचो 3 बार दे दिया इसने, तो 3 बार दे. हमारे यहाँ पे दूसरे में सर पे डोंगा मार देते कि भैंचो खाने आया यहाँ पे, स्नैक होता है, तू खा रहा है इसको. मैं लोगों से बात करना बंद कर दिया, कुछ है नहीं उनके पास बात करने को. फोन उठाती कहते और बताओ. I'm like पहले हेलो बोलना होता है. They're like हेलो और बताओ. मैं कि खाना खा रहा हूँ. और बताओ. मैं कि रोटी भी है. और बताओ. मैं कि सब्जी भी है और होने भी चाहिए. कह रहे और बताओ. मैं को तेरी मम्मी ना मेरे पापा के साथ भाग गई. भाई क्या कह रहे तू, तमीज से बात कर, तेरे को मैं थप्पड़ लगाऊंगा. नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि और बताओ. जैसे मेरे पापा फोन करते पूछते और बताओ, मैं कि पापा पढ़ रहा हूँ. कह रहे बस और मत बताओ, पढ़ाई पे ध्यान दो. मैं कि व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, ये पढ़ाई में काउंट हो रहा है तो मान लो. हाँ मैं मैसेज पढ़ रहा था तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है वो कहता आदेश. मैं कि हाँ जी बोलो. कह रहा यार मेरे को लगता है मैं ना सिंगल ही मरूंगा. I'm like सब सिंगल ही मरते. नहीं ऐसे थोड़ी अब शमशान घाट में लेट के कह रहे हो भाई नहीं है, आ जाना साथ में चलते यार. ऊपर जाके अप्सराओं को ताड़ेंगे. यहाँ कुछ नहीं है, सब सिंगल ही मरते हैं. आंटी लोग सब साइड बॉम्बर ना हो, क्योंकि वो बंदे अकेले नहीं जाते. दिल लाइक ऊपर जाके कैरम खेलना है, 4 तो चाहिए एटलीस्ट. और यार ये और बताओ वाला कॉन्सेप्ट ना अब शुरू हुआ है जब से जियो आया है ना. पहले तो था ही नहीं ना. पहले तो इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे. आप 50 सेकंड होने के बाद से फोन देखने लग जाते कि कब भैंसों काटे गए फोन. आप सामने वाले की बात पे एग्री कर रहे हो काटने के लिए. हाँ भाई तू सही बोल रहे, तू गलत होता ही कब है. एक तू ही तो है जो सही बात करता है. दुनिया का बेस्ट आदमी है तू. चल मैं रख रहा हूँ. सुनो सुनो सुनो, बोलो 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 और बताओ. माँ चुराओ. पहले और बताओ तब होता था जब कॉल 59 सेकंड के ऊपर चली जाए, है ना. दे लेके अब तो दुर्घटना घट चुकी है, अब और बताओ. यार ऐसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग ना, ऐसे उनको पता ही नहीं कैसे. लेकिन उनसे पूछ लो कि इतना खुश के कह रहे हैं आई एम सो हैप्पी आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. आई एम लाइक तो फिर एजुकेशन का क्या हुआ इफ यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. फीलिंग्स तो हमारे अंदर भी थी ना, बट वो बतानी पड़ी कि यार मैं आज बहुत ज्यादा खुश हुआ है ना. मेरे को लगता है ये वाली लाइन तभी वर्क करेगी अगर ये बोलने के बाद आप चुप हो जाओ कि यार आज तो बहुत खुश लग रहा है. हाँ यार आई एम सो हैप्पी आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. उसके आगे अब तू समझ ले. हाँ मैं परेशान हो गया उन लोगों से. अभी मैं पता है क्या करता हूँ, लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ और उनके देखने से पहले डिलीट कर देता हूँ. तो वो परेशान हो जाते कि भाई क्या भेजा है क्या भेजा है क्या भेजा है. आई एम लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट अब रहने दे. कह रहा नहीं नहीं बताना. मैं कि पहले 100 रुपये थे तो उसने 100 रुपये पेटीएम कर दिया. कह रहा अब बता. मैं कि नहीं नहीं बस 100 रुपये चाहिए थे. और फिर मैंने वाला मैसेज भी डिलीट कर दिया. ऐसे ही होता है यार, जो जो मेरे को पसंद नहीं है ना रिलेटिव्स में उनको मैसेज करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ. तो फिर मेरे को मैसेज बैक कर दे, कह रहे कि क्या हुआ बेटा. आई एम लाइक चुप गांडू. और फिर टाइपिंग एरर करके अंकल लिख देता हूँ. वो भी सोच रहे गांडू का टाइपिंग एरर अंकल कब से हो रहा है. फिर वो बोलते बेटा तमीज से बात कर रहा है. चुप लोड़ू. और फिर से टाइपिंग एरर करके अंकल. अब वो सोचे एक ही वर्ड के टाइपिंग एरर दो दो कैसे हो रहे हैं, ये एग्जिस्ट करते दुनिया में.
हाँ मेरे को लगता है मैसेजेस पे ना इमोशंस को बताना काफी टफ होता है ना, खासकर आप इमोशनल हो, आप रो रहे हो, है ना, तब तो और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि आप रो भी रहे हो और साथ में ग्रामर मिस्टेक भी देख रहे हो। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, और फ्रेंड बोला भैंचो ब्रेकअप की स्पेलिंग गलत लिख दी तूने, इसको सही कर ले, मैं कि तेरे को वो नहीं दिख रहा जो हो रहा है। हाँ यार बहुत टफ। एक बार मैं था ऐसे ही परेशान ना, तो मैंने एक फ्रेंड को अपने बोला कि यार मैं परेशान हूँ, तो उसने कह रहा कि रुक मैं तेरे को कॉल करता हूँ, तो उसने मेरे को कॉल किया, कह रहा आदेश तू तो रो रहा है, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, वीडियो कॉल करता हूँ। तो उसने मेरे को वीडियो कॉल किया, उसने मेरे को रोते हुए देखा, कह रहा आदेश तू तो रो रहा है, मैं कि हाँ, कह रहा यार मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकता, आज हम मैसेज पे ही बात करते हैं। हाँ वो आंसुओं के बूमरैंग बना रहा था मेरे। अब मेरे यार बात करने का तरीका अलग हो गया है। मैं जैसे क्या करता हूँ ना, किसी बंदे की बातें सुन लेता हूँ, और जिससे वो बात कर रहा होता है ना, ऐसे साइड में बैठ के प्रिटेंड करता हूँ कि वो मैं हूँ। आई नो थोड़ा साइको है, बट मजा आता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एक बार एक बंदा बात करते जाते कि हाँ मम्मी मैं आ जाऊँगा पनीर लेके, मैं इधर खड़ा होकर मम्मी बनो, मैं कि बहनचो पनीर लेके तो आना ही पड़ेगा तेरे को, तीन दिन से मैं टिंडे खा रही हूँ। दो तीन बार मैं कैरेक्टर में पहुँच भी गया, मैं पनीर लेके ही पहुँच गया अपने घर। मम्मी कह रही पनीर क्यों लेके आ रहा है तू, मैं क्यों टिंडे नहीं खाने ना आज आपको। प्रॉब्लम पता है क्या हुई, एक बार ना मैं ऐसे लाइक कि कैब में बैठ रहा था, तो जो बंदा था ना वो उतर रहा था, तो वो ऐसे मैसेज लाइक कि कॉल पे था, वो बोल रहा है कि हाँ यार मैं 25 को दुबई आ जाऊँगा। तो मैंने उसकी बातें सुन ली, तो जैसे मैं कैब में बैठा मैं बोला कि यार वो 25 को दुबई नहीं आ पाऊँगा, अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। पीछे से कैब ड्राइवर बोलते सर वो कैश पेमेंट कर दोगे क्या। अगर तेरे को बोला ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, मैं एटलीस्ट इंग्लिश में मांग ले।